हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सारे बढ़िया होंगे। सो दोपहर का 3 बज रहा है, बजना अभी बजा नहीं है, बजने वाला है। और मैं सुबह 7 बजे से उठी हुई हूँ। पूरा काम क्या है, काम क्या, लाइक जैसे मैंने बताया रूम चेंजेस तो किए थे, लेकिन जैसे सारे सॉफ्ट टॉय थे वो गंदे हो गए थे, कुशन थे सॉफ्ट टॉय जैसे उसमें फैदर में, और सारे टॉय थे ट्रेनिंग के वो धोए। अभी कुछ कुछ बचे हैं, दो तीन बचे हैं। मिक्कू का पूरा बेड क्लीन किया, और बेड का जो गद्दी था वो भी धुला, उसके टॉय भी क्लीन किए हैं, सब कुछ क्लीन किया है, क्योंकि आपको रूम टूर जो देने थे तो रूम में रखी हुई चीज़ गंदी नहीं होनी चाहिए। अभी बचा क्या है, सिर्फ मंदिर के फ्लावर बचे हुए हैं और जो मेरे रूम के फ्लावर हैं बस वो, तो इनको कल करूँगी। और हेयर वॉश भी किया था, पूरा बाथरूम भी क्लीन किया था। तो ये 2-3 काम रह गए हैं, वो और बाकी हैं, बाकी सारे काम हो चुके हैं। और पूरा दिन हो गया, अभी 3 बज रहे हैं। टेनू का आज क्लासेस नहीं था, जो स्कूल वाला क्लासेस होते हैं वो नहीं था, उसका 4:30 बजे से आज डांस क्लास है। सो दिखाऊंगी मैं आपको थोड़ा बहुत अगर रिकॉर्ड कर पाई तो। 4 बजे से क्लासेस ले, उसको 2:30 बजे ही सुला दिया है। 4:30 बजे से क्लास है, 5:30 बजे तक तो वो है। और बादल अभी भी आ चुका है हमारे यहाँ पे। सो एक वीडियो आप लोगों के लिए शूट किया था, जो शायद आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा होगा तो पता नहीं देखा होगा कि नहीं, ठीक है। सो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि 4 बजे से टैनी को उठा के रखना है। सो चलिए। ओके गाइस, सो मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे मलाई पनीर, एंड मेरा कुछ डिसाइड नहीं था बनाने का, लेकिन मन किया था बना देते हैं। सो यहाँ पे मैंने टमाटर और ऑनियन को रफली चॉप कर लिया है, और इनका हमें बनाना है बैटर। तो इनके साथ साथ आप या तो तिल ले सकते हैं, या फिर आप काजू ले सकते हैं, लेकिन काजू लें तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है, तो थोड़ा सा काजू ले लें और एक अच्छा सा प्यूरी बना लें। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा प्यूरी बन के रेडी है, काजू टमाटर और प्याज का, तो ये बना लिया है। और चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने चढ़ाई हुई है एक कढ़ाई, और गाइस सच में मेरे साथ यहाँ पे भी आज एक नया हादसा हो गया था, तो वो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हम ऑयल डाल देंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। और हादसा क्या होता है, जो प्यूरी था ना, मेरा मिक्सी का जो जार था वो पता नहीं कैसे जाम हो गया अचानक से। और उसके बाद मैंने ना चेक किया बहुत बारी मशीन को, क्या हो गया क्या हो गया करके, लेकिन फिर जब छोटे में मैंने किया तो सारा ढक्कन खोल गया, पूरा गैस एक बार मैं बर्तन धोने के बाद साफ़ कर चुकी थी, वो सॉरी रोटी बनाने के बाद, फिर दोबारा मुझे साफ़ करनी पड़ गई और पूरा मिक्सी का पॉट फट गया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने घी रिफाइंड ऑयल लिया, उसके बाद मैंने घी डाला, आप चाहे तो बटर ऐड कर सकते हैं, बटर अवेलेबल नहीं था। उसके बाद हींग जीरा डाला, और जीरा भुनने के बाद आप यहाँ पे जो अपने प्यूरी बनाई है वो हम ऐड कर देंगे, और अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। मतलब एकदम जला नहीं देना है, लाइक हल्का सा तेल छोड़ने लगे वो साइड से, इतना ही करना है। सो सच में पूरा वो फट गया, और मतलब पूरे चौके में पूरे में निकल गया, बहुत पूरी तरह से पूरे में फैल गया वो, से बस ये समझ लो कुछ हाथ बड़ा हादसा होने से बच गया। सो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जैसे कि मैंने बताया कि साइड से हल्का सा ऑयल आपको दिखने लगे, जैसे ये देख लीजिए, इतने पे ही आप इसमें ऐड कर देंगे हमारा दही। दही जितना क्वांटिटी का आप बना रहे हो उस अकॉर्डिंग दही ले लीजिए। मान लीजिए 2 लोगों के लिए बना रहे हैं, तो आधा छोटा कटोरी दही ले लिया है मैंने इसमें, और चलाते टाइम आप मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि वरना फट जाएगा, और फटा तो ख़राब हो जाएगा। तो चलाते रहेंगे, और ये एक ये देखिए उबाल आ गया दही चलाने के बाद। उबाल आने के बाद हम इसमें आगे की चीज़ प्रोसेस करेंगे। तो आगे हम इसमें डाल रहे हैं यहाँ पे, ये है मलाई, और ये फ्रेश मलाई है दूध की। आप चाहें तो अमूल क्रीम भी डाल सकते हैं अच्छे से फेट, मतलब इसको भी फेट के। तो ये एक किलो दूध पे जो मलाई पड़ती है उतनी, ये समझ लो आधा छोटी कटोरी मलाई है, ठीक है। इसको डालते टाइम भी हम अच्छे से फेटेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, ठीक है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको भी हम उबाल आने देंगे, इसमें भी एक अच्छा खासा उबाल आने देंगे, ठीक है। तो ये देखिए उबाल आ गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे इस स्टेज पे गरम मसाला। गरम मसाला के साथ डाल देंगे हम थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जो भी हमारे रेगुलर मसाले होते हैं, धनिया पाउडर,
एंड उसके साथ हम यहाँ पे डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। मैं आजकल कश्मीरी लाल मिर्च करती हूँ, आप नॉर्मल मिर्ची भी ले सकते हैं, पर कश्मीरी लाल मिर्च से थोड़ा सा कलर जो है वो बढ़िया आता है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे नमक अपने स्वाद अनुसार, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना नमक डाल देंगे जितना हमारा प्यूरी है। याद रखिएगा पानी कहीं पे भी ऐड नहीं होगा, तो ग्रेवी जितनी भी पतली हो। और हाँ, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने टमाटर लिए थे, तो अभी एक मिनट, यहाँ पे मैंने डाल दिया है छोला मसाला। छोला मसाला मैं ऐसी जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ उसमें ऐड करती हूँ टेस्ट के लिए। और ये पीछे से हमने डाल दिया 3-4 चम्मच दूध और मिक्स कर दिया। और जो टमाटर, अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो जो टमाटर हैं, थोड़ा सा दूध और ऐड कर दिया, जो टमाटर हैं वो ज़्यादा लीजिएगा, क्योंकि पानी ऐड नहीं होगा, प्यूरी हमें चाहिए, ठीक है, तो ज़्यादा लीजिएगा। और अगर आपके पास टमाटर और प्याज दोनों कर रहे हैं, फिर भी प्याज ज़्यादा मत लीजिएगा, सिर्फ टमाटर ज़्यादा लीजिएगा, बड़े बड़े 4 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने जैसे लिए थे, क्योंकि प्यूरी ज़्यादा लगेगी। तो एक उबाल आने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे पनीर, जैसे दूध डालने के बाद वो उबाल आ जाएगा। पनीर के क्यूब्स को हम फ्राई नहीं करेंगे, वरना टेस्ट ख़राब होगा। और ये डालने के बाद हम इसमें क्या बोलते हैं, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी को ऐसे डाल देंगे, फ्लेवर के लिए बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। और उबाल आने के लिए 3 से 4 मिनट को हम ढक के रख देंगे। अगर आपकी कढ़ाई हल्की है और उबाल लग रहा है आ गया, तो 2 मिनट में भी आ सकता है, नहीं तो मेरी 3 से 4 मिनट लगे थे मैक्सिमम। और हम ढक कर के इसको रख देंगे, और अब हटा के देखेंगे हम इसको। ये देखिए बढ़िया उबाल आ गया है। अगर आप फ्राई करके डालेंगे तो पनीर पूरा टेस्ट ख़राब कर देगा। और ये देखिए बढ़िया उबाल आने के बाद आप गैस बंद कर सकते हैं। ये हमारा बढ़िया सा पनीर बन के रेडी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और क्या आप लोग करते हो वो बताइएगा। ए गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दूसरा दिन हो गया था, वो मैंने रात को बनाई थी, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। तो ब्रेकफास्ट में मैं आज बनाने जा रही हूँ चाउमीन, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, और 10 दिन के बाद बनी जाती है हमारे घर में चाउमीन। तो यहाँ पे मैं चाउमीन को बॉयल करने रख दिया। वैसे तो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, बट कुछ लोग नए आते हैं, और फिर मैं मॉर्निंग में बना रही थी इसलिए मैंने दे दिया। आप सोचोगे उसके बाद पनीर की रेसिपी के बाद तुरंत चाउमीन, तो ये सेकेंड डे है। तो हमारी बॉयल हो चुकी है अच्छे से, उसमें ऑयल डाल देती हूँ, ज़्यादा बॉयल करेंगे तो बेकार हो जाएगी। और उसके बाद हम इसमें किसी भी एक ऐसी चीज़ में निकाल देंगे जिसमें से उसका पानी तुरंत निकल जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। और इसको तुरंत ठंडे पानी से हम धो लेंगे। ठंडा पानी डालने से, धोने से क्या होता है ना, स्टिक गंदी नहीं, मतलब चिप चिप चिपक ही नहीं और स्टिकी नहीं होगी, और अच्छे से अलग 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 हो जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये देखिए एकदम अलग अलग हो गई। आपको ऐसे से हाथ से भी करनी है, आपके पास फोक हो चम्मच हो जो भी हो आप उससे कर सकते हैं, हाथ में अगर लगे तो, ठीक है। और मैं कैमरा नीचे रह गया और मैं ऊपर में दिखाती हुई निकल गई, मुझे लगा कैमरे के सामने चल रही है। कभी कभी हम लोग कुछ भी कर जाते हैं, मतलब देखते नहीं है क्या चल रहा है। चलिए फटाफट से बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्याज ऐड कर देंगे, और प्याज के बाद इसको अच्छे से भुनने देंगे तेल गर्म करने के बाद। ये मत कीजिएगा कि प्याज ही डाल दिया सीधे, तो प्याज थोड़ा ही रखा है। और कुछ लोगों को ना, मैं जैन हूँ तो प्याज खाने से बहुत प्रॉब्लम है, तो भैया सबका लाइफ है उसको जीने दो, तो फालतू के कमेंट करके ना परेशान मत करो कि आप जैनी हो, प्याज खाती हो, ये खाते हो। सब लोग खाते हैं, जिन जो दिखाते हैं ना कि हम नहीं खाते, सब खाते हैं बाहर। एक बात बताओ, इतना नाक आप लगा रहे हो, नहीं खाते हो, और बाहर की चाउमीन और ये सब खाते हो, तो बिना प्याज के बनवाती हो, लेकिन बनाते तो वो उसी कढ़ाई में ना, तब तो आप बड़े जल्दी खा लेते हो। तो यहाँ पे हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे, तो जिसमें मैंने पहले टमाटो केचप डाल दिया, सोया सॉस, विनेगर, चाउमीन मसाला, थोड़ा सा नमक डालेंगे, और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे, मतलब फेंट लेंगे। ये बन गया बैटर, मतलब एक पेस्ट तैयार हो गया। और ये पत्ता गोभी, मतलब कैबेज, और ये हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है,
और इसमें हम ऐड करेंगे अपनी चाउमीन। आप देख सकते हैं एक अलग अलग है, और इसके साथ में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे क्या बोलते हैं इसको, पहले थोड़ा सा अलग कर लेंगे और इसके साथ अपने उस पेस्ट को ऐड कर लेंगे। और अगर आपके पास चिली सॉस हो तो वो भी आप इसके साथ साथ ऐड कर सकते हैं, मैगी मसाला हो वो भी इसमें डाल सकते हैं। और ये बन गया हमारा चाउमीन। ये मैंने ऐसे बनाने, पहले मैं ऐसे नहीं बनाती थी, ये मैंने अपनी एक फ्रेंड से सीखा, बड़ी जल्दी और बड़ी अच्छी बन जाती है। ये लो बन के तैयार है नाश्ता। पे मैं अपने फ़ोन से बात कर रही हूँ, और यहाँ पे लोग बोलते हैं कि प्याज खाना गुनाह है, क्योंकि कमेंट करके जाते हैं कि देखो वो नहीं खाती तुम खाती हो, ये नहीं खाता वो नहीं खाते। तो भैया कौन खाता है कौन नहीं खाता, आप किसी के घर में जाके नहीं देख रहे हो, हम वीडियो में दिखा रहे हैं। मैं जो करती हूँ वो दिखाती हूँ, उससे फालतू का ढोंग नहीं होता, ठीक है। जो लोग फालतू का मत मुंह खुलवाइए इस बात को लेके, और आप लोग कमेंट कर देते हो मैं रिमूव कर देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमेंट नहीं देख पा रही हूँ। बाहर में चाउमीन या और भी चीज़ें आप खाते हो बाहर जाके, वो प्याज की भी बनाता है, आजकल तो सब जगह प्याज बनता है, वो चीज़ आप खा लेते हो, बोलते थे भैया प्याज मत डालना, लेकिन खा जरूर लेते हो आप लोग, है ना। क्या किससे बात कर रही थी? हस्बैंड से बात कर रही थी। वो नहीं निकल रहा, निकालो इतको निकालो, उतमे रखा है उतली तोतली क्लियर बोला करो, इसमें निकालो, इसमें बोलती तो इसमें ही है, ये नहीं निकल रहा मम्मा से। अरे नहीं निकलता ना, कैसे निकालो, कैसे ये नहीं निकलता, ले जाओ यहाँ से, नहीं निकल रहा, निकल गया, तुम पागल हो गई हो टैनी। ओके सो अभी मैं दोपहर में सिर्फ जीरे का भात और भाजी बनाने वाली हूँ, इसमें आना नहीं बोल तुम्हें पीछे, तो मैं जा रही हूँ भात बनाने। आजकल मैं काम से तो 11:30 से फ्री हो जाती हूँ, बट कभी कभी ना लेट हो जाता, लेट क्या मतलब टैनी का जैसे कि नहाना रह गया तो वो काम रह ही जाते हैं, बट अभी बज रहा है दोपहर का 12:30 हो रहा है, मैं फ्री हूँ, पूरी फ्री हूँ, फ्री में काफ़ी देर से थी, और मैं बस सामने जो मेरी फ्रेंड है उनसे बात कर रही थी। ये देखो इसको मैं ठीक करके यहाँ लगा दी, अच्छा लग रहा है। सो बस अभी बादल कभी हो जा रहे हैं, कभी धूप हो जा रही है, कभी बादल हो जा रहे हैं, कभी धूप हो जा रही है, और लोग भी सीधू को यहाँ रख लिए हैं अभी, क्योंकि धूप आ जाती है और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। और हाँ वेदर अभी ठीक है, हस्बैंड गए हैं, उन्होंने एक न्यू जॉब ली है तो जॉब के लिए गए हैं, क्योंकि वो बोल रहे थे स्टेडियम तो अभी ओपन करने का बोल दिया लेकिन मैचेस कब से स्टार्ट होंगे कुछ कह नहीं सकते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि देखो कुछ कह नहीं सकते हैं, और हम सेविंग्स ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ गई, इतना सेविंग इतना तो आदमी नहीं रखता ना सेव करके, पूरा के पूरा अगर पूरा रखे और फिर करे तो सेविंग्स ख़त्म होने वाली है बिल्कुल ही, तो कहाँ से लाएंगे क्या करेंगे, काम नहीं चलेगा। तो दुकान वालों ने तो उन लोगों ने तो बोल दिया सरकार ने दुकान खोल दे, दुकान वालों ने अपनी दुकान खोली, अभी ये क्या करें, कहाँ जाएं क्या करें, तो इसीलिए ध्यान के दबीचे खड़े होके देख रही है कि मैं कैसे करती हूँ, तो इसीलिए अभी ये गए जॉब पे। क्या फ़ायदा था यार कि एक टाइम वो आ जाता है कि सेविंग तो पूरी ख़त्म, और ना किसी से मांगने के ना कुछ, और मतलब इतना ख़राब टाइम आ जाता कि एक एक पैसे के लिए बैठ जाते, और बैठ जाते ही, देखिए एसी में भी गया पैसा, ठीक है डाउन पेमेंट तो गया ही गया उसका, डाउन पेमेंट हम लोगों ने जितना काम पे उतना दे दिया, लाइक 20,000 समथिंग हमने डाउन पेमेंट दे दिया उसका, और जो बचा था उसका EMI करा दिया। हाँ और अभी हमें एक्वा गार्ड भी लगवाना है, क्योंकि पानी जो है पानी का दिक्कत बहुत हो रहा है, पानी वाला बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, पानी कभी देखने आता है कभी नहीं आता है, और नहीं होता है तो दिक्कत होती है, तो इसलिए तो पानी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को सिर्फ शेयर कर रही हूँ अपनी बातें, तो प्लीज़ थोड़ा सा मतलब प्रे कीजिएगा बस, और कुछ नहीं कर सकते आप लोग, प्रे कीजिएगा। वैसे तो काफ़ी लोग मेरे से मतलब बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं, और भगवान करे आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड
इसलिए इनको जॉब भी करना पड़ रहा है और आज तो उनको फर्स्ट डे ट्रेनिंग का है और जहाँ तक ये कंफर्म हो भी गया है तो कल से कंटिन्यू जाएंगे अपना और बट दोपहर तक आ दे करेंगे क्योंकि यहाँ तो दोपहर में मार्केट बंद हो जाता है तो मार्केटिंग का ही ऐसा कुछ मार्केट का ही कुछ ऐसा कुछ हुआ है शायद तो कोई आया शेयर करना था आप लोग के साथ। और अभी पता है साइक्लोन बॉम्बे में भी पहुंचा पर वो वाला अलग था जो यहाँ आया था बाप रे बाप रेड अलर्ट जारी था वहाँ पे शायद 150 की स्पीड से निकला है यहाँ पे 220 की स्पीड थी और उसके बाद भी एक छोटा सा आया था आया छोटा नहीं था बड़ा ही था पर वो यहाँ से पास से निकल गया और बस कुछ नहीं अब जाऊँगी खाना बनाऊँ खाना सिर्फ जैसे मैंने बताया थोड़ा सा और आप लोग कभी तो पूरा वीडियो देख ले तो बढ़िया से कभी कभी मतलब ऐसे ही कर दे तो एक मिनट और जो भी चीज़ें होती हैं मैं आप लोगों के साथ ना प्रॉपर वे में शेयर कर देती हूँ जो भी मैं कुछ नहीं छुपाती आप लोगों से कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं ये वो तो कुछ नहीं छुपाती हूँ सारा कुछ बता देती हूँ और बट फिर भी लोगों को लगता है कि मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ ओवर दिखाती हूँ ये करती हूँ जो है वो है जो नहीं है मेरे पास उसके बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है जो छुपा ही नहीं और आप लोग भी बताइएगा कैसे हैं कमेंट सेक्शन में। और जो मैंने मलाई पनीर की रेसिपी शेयर की है वो सीरियसली मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाया आजकल मैं जो चीज़ें बना रही हूँ जो नई नई एक्सपीरियंस है वो फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी मतलब जिस रेस्टोरेंट में हम मोस्टली जाते हैं सेम डिट्टो उसी रेस्टोरेंट जैसा उसका टेस्ट आ रहा था और बहुत ज़्यादा यम्मी बनी थी सीरियसली बहुत ज़्यादा। सो चलिए गाइस बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक लिए बाय। तो आज हम बात करेंगे टैम्पोन के बारे में। टैम्पोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पीरियड्स में यूज होता है। टैम्पोन आप पिक देख सकते हो कुछ इस तरीके का होता है इसको हमें अपने वजाइना में इंसर्ट करना पड़ता है और ये पूरा आप अगर मान लीजिए नॉर्मल आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो आप इसको 8 आवर तक यूज कर सकते हो नहीं तो 12 आवर तक यूज कर सकते हो। वो आपको महसूस होने लगता है कि आपको ये निकालना है या क्या करना है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है आप इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है लाइक एक कि पैड से आपको रैशेज होते हैं आपको पता चलता रहता है कुछ रैशेज हो रहे हैं कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा तो इससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड आप जैसे कि मान लीजिए ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं एंड और भी हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम होता है तो वो इसका टैम्पोन का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये चेकआउट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करना मत भूलिएगा। ओके okay?